हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। श्री कान्हा जी क्रिएशंस में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको कान्हा जी के लिए प्यारा सा ये जंप सूट बनाना सिखाऊंगी फ्रेंड्स। ये कॉलर वाला जंप सूट है ये देखिए, और बहुत ही प्यारा है फ्रेंड्स। ये मैंने 3 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाया है फ्रेंड्स। ये 2 और 3 नंबर दोनों नंबर के कान्हा जी को इजीली आ सकता है। और मैंने वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने ये बनाती गई हूँ, तो मैंने ये भी बताया कि आप इसको ऑल साइजेस में कैसे बना सकते हैं। तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर वॉच कीजिएगा, तो आपको अगर आपको जिस भी नंबर के कान्हा जी के लिए बनाना है तो आप उसको ईजिली फिर बना सकते हैं। तो और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा। और आप मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप मेरी कोई भी चीज़ मेरी वीडियो देखकर आप कोई भी चीज़ बनाते हैं कान्हा जी के लिए, तो आप उसको भी मेरे फेसबुक पेज पर शेयर कर सकते हैं, जिसको मैं अपने कम्युनिटी टैब में डालकर जरूर दिखाऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हम अपना जंप सूट बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है फ्रेंड्स, आप जिस भी नंबर के कान्हा जी के लिए बना रहे हैं, तो सबसे पहले हमें जैसे हम चोली बनाते हैं फ्रेंड्स, ड्रेस बनाने के लिए जो हम गोल ड्रेस बनाते हैं उसके लिए जो हम चोली बनाते हैं, तो सेम हमें जिस भी नंबर के आप कान्हा जी के लिए बना रहे हैं, सेम उसी प्रोसीजर से आपको चोली बना लेनी है। तो चोली हमने बनाई, देखिए जहाँ हम ये मुड्ढा छाटते हैं उनके हाथ वाला जो होता है, तो ये मुड्ढा छाटने से ये जब हम छाटते हैं तो इधर ये देखिए ये एक लाइन जो ये हमारी बनती है, हम यहाँ तक बना लेंगे फ्रेंड्स पहले अपनी चोली को। तो उसके बाद हमें क्या करना होता है, ये देखिए अब ये हमने बना लिया यहाँ तक। अगर आप जिस नंबर के भी कान्हा जी के लिए बना रहे हैं तो आपको यही करना है, जो मुड्ढा आप छाटते हैं वहां तक आप ये बना लीजिए। अगर आप छोटे, जैसे मैं 3 नंबर के कान्हा जी के लिए बना रही हूँ, तो मैं इसको यहीं ज्वाइन कर दूंगी स्लिप स्टिच से। लेकिन जैसे आप 4 और 5 नंबर के कान्हा जी के लिए बना रहे हो, तो उसमें हम क्या करते हैं, ये 2 रोज बनाते हैं फ्रेंड। जैसे एक हमने मुड्ढा बना दिया, तो उसके बाद हम 1 रो और बनाएंगे इसके अंदर, तो आपको फिर वो 1 रो और बनानी है। और बड़े कान्हा जी के लिए बनाते हैं तो हम 2 रो बनाते हैं ये अपने ये स्लीव्स बनाने के बाद। तो वैसे ही आपको जिस प्रोसेस से आप जहां तक आप चोली बनाते हैं, सेम उसी प्रोसीजर तक हमें ये चोली बनानी है। और अगर आप और छोटे कान्हा जी की बना रहे हैं, तो उसमें भी सेम प्रोसीजर ऐसे ही होगा जैसे मैं 3 नंबर के कान्हा जी की बना रही हूँ। तो अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, ये देखिए चोली के एंड में जो है वो मेरे पास 27 स्टिच है, तो मेरे को यहाँ पर 3 स्टिच बढ़ाने हैं फ्रेंड्स। अगर आप ज्यादा छोटे कान्हा जी की बना रहे हो तो स्टिच बढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि वो नीचे से उनमें इजीली ये जो है अंदर आपके कान्हा जी इसको पहन सकते हैं। लेकिन बड़े कान्हा जी का क्या होता है, उनके पैर थोड़े से ज़्यादा मुड़े होते हैं, वो नीचे से थोड़े से हैवी होते हैं, तो वो घुस नहीं पाएंगे। तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही अपने स्टिच बढ़ाने होते हैं। जैसे यहाँ पर 27 है, तो मैं इनको 30 कर लूँगी। और 4 और 5 नंबर के कान्हा जी में आपको क्या करना है, 5 या 6 स्टिचेज आप बढ़ा लीजिएगा। ऐसे ही अगर आप और बड़े कान्हा जी के लिए आते हैं, तो 5 की जगह आप क्या कीजिएगा, 8 स्टिच बढ़ाइएगा। तो आपको उसके अकॉर्डिंग देखना होगा कि आपके एंड में कितने स्टिच हैं, तो उसको आप उसके अकॉर्डिंग ही आपको स्टिच बढ़ाने होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले जैसे कि हम यहाँ पर स्लिप स्टिच करते हैं अपनी ड्रेस की, जब चोली बनाते हैं तो सेम प्रोसेस से हम यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए अब मैं क्या करूँगी, क्योंकि मुझे 3 ही और बढ़ाने हैं, क्योंकि ये 27 मेरे ऑलरेडी नीचे चोली में है, तो मैं 9 के बाद यानी कि पहले मैं 9 बना लूँगी यहाँ पर। यह देखिए पहले हम बनाएंगे 3 की चेन, 1 2 3 की चेन बनाई, और इसी के अंदर मैं एक बार और डबल क्रोशिया बना दूंगी। तो एक तो मेरा यहाँ पर बढ़ गया फ्रेंड्स, तो ये एक इसमें बढ़ गया। अब मैं 9 ऐसे ही बनाऊंगी और 8 बनाऊंगी सॉरी, और 9th में क्या है मैं फिर 2 बार कर दूंगी, और फिर 8 बनाऊंगी फिर 9 में फिर कर दूंगी। तो ऐसे क्या है कि मेरे 3 बार ये 3 स्टिचेस बढ़ जाएंगे, 30 हो जाएंगे। बाकी प्रोसीजर हमें सेम करना है, ऐसे ही हमें एवरी स्टिच में अपना क्या है डबल क्रोशिया बनाना है। तो ऐसे ही आपको भी क्या है बढ़ाना है अपने अकॉर्डिंग, जिस भी नंबर के आप कान्हा जी के लिए बनाएं तो उसके अकॉर्डिंग आप हर कान्हा जी में क्या है कि बढ़ाते जाइएगा। जैसे इसमें मैंने 3 बढ़ाए हैं, 4 और 5 में आप 5 बढ़ा लीजिएगा। तो हर नंबर में आपको 2 2 3 3 इंक्रीज करते जाने हैं। तो ऐसे ही बनाते हुए मैं यहाँ तक अपने राउंड के एंड तक पहुँचूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ही बनाते हुए मैं वर्क के अपने एंड में पहुँच गई हूँ, और अब हमारे ये हो गए हैं 30 स्टिच। और अब मैं इसको ये देखिए यहाँ पर ये जो हमने स्टार्टिंग में 1 2 3 की चेन बनाई थी, तो इस 3rd वाले में ले जाकर मैं इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दूंगी ऐसे, और अगेन 3 चेन बनाऊंगी। और अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, ये जो हमारे 30 हैं, तो 30 के ऊपर 30 ही मैं सेम प्रोसीजर से हम 1 रो और बना लेंगे इसमें। ये देखिए सब पर हम डबल क्रोशिया करते हुए 1 रो और बनाएंगे।
ये देखिए। और ये फ्रेंड्स आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये हम बड़े कान्हा जी की, जैसे 3 नंबर के कान्हा जी की बना रहे हैं, लेकिन आप 0 और 1 नंबर के कान्हा जी की अगर बनाते हैं तो आपको यही सारा वर्क जो है वो डबल हाफ क्रोशिए से करना है। जैसा कि अगर आप मेरे चैनल पर देखेंगे तो उनकी चोली भी जो है हमने हाफ क्रोशिए से बनाई हुई है, तो जो सेम प्रोसीजर हो रहा है वो आपको हाफ क्रोशिए से करना है, क्योंकि वो बहुत छोटे कान्हा जी होते हैं, इसलिए खाली बड़े कान्हा जियों के लिए हम ये डबल क्रोशिए से प्रोसीजर करेंगे। तो ऐसे ही सेम ये देखिए एवरी चेन स्टिच में हम एक एक बार बना लेंगे 30 के ऊपर 30, और ऐसे ही बनाते हैं हम यहाँ तक अपना ये राउंड कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स सेम प्रोसीजर से मैंने, जैसे मैंने आपको बताया था 30 के ऊपर 30 मैंने अपनी एक रो बना ली, और हम क्या करेंगे फिर से 1 2 3 इसके थर्ड, जो हमने 3 चेन बनाई थी उसकी 3rd चेन में ले जाकर इसको स्लिप स्टिच से ऐसे ज्वाइन कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने जो 3 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाई है, तो ये हमने ये देखिए पहले हमने ये यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच किया था, उसके बाद फिर हमने यहाँ पर इनको 30 कर दिया, फिर 30 के ऊपर हमने एक रो और बना दी, तो यानी कि हमने 2 रो बनाई हैं। लेकिन अगर आप यही मान लीजिए 4 और 5 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाते हैं, तो आप 2 की जगह जैसे 30 हमने किया है, तो उसके ऊपर आप जितने भी स्टिच करेंगे तो उसको क्या करना है आपको एक रो और सेम बनानी है ऐसे, यानी कि 2 की जगह 3 बना देनी है। और फिर जैसे ये तो हो गया 4 और 5 नंबर के कान्हा जी के लिए, अगर आप 6 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाते हैं तो फिर 3 की जगह 4 रो बनाइएगा सेम, बढ़ाने के बाद स्टिच बढ़ाने के बाद हम 4 रो बनाएंगे। तो ऐसे जितने नंबर के कान्हा जी आप बढ़ते जाएंगे तो एक एक रो आपको एक्स्ट्रा बनानी है ऐसे, क्योंकि वो बड़े होते जाएंगे। लेकिन जैसे आप 0, 1 या 2 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाते हैं, तो स्लिप स्टिच करने के बाद आप एक, उसमें भी आप 2 ही रो बनाइएगा, लेकिन उसमें आपको क्या करना है कि वो हाफ क्रोशिए से बनानी है, और ये हमने बनाई है डबल क्रोशिए से, और उसके आगे एक एक रो बढ़ती जाएंगी 3 नंबर के कान्हा जी से। अगर से 4 नंबर के कान्हा जी के लिए अगर आप बनाते हैं तो 3 रो बनाइए, 5 नंबर के कान्हा जी के लिए भी 3 रो की आ जाएगी, 6 नंबर के कान्हा जी के लिए आपको 4 रो बनानी पड़ेंगी। तो यहाँ पर ये मैंने 2 रो बनाई है। अब हमें क्या करना है, ये जैसे हमारे 30 स्टिचेज हैं फ्रेंड्स, तो 30 के हमें हाफ करने हैं 15, तो हम क्या करेंगे पहले 1 2 3 3 हमने चेन ली, और हमें इनको क्या करना है डिक्रीज करना है फ्रेंड्स। तो डिक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, ये स्टार्टिंग में तो हमने 3 की चेन बना दी, अब डिक्रीज हम कैसे करेंगे, ये देखिए हमने लूप लिया और ये देखिए नेक्स्ट स्टिच में हम डालेंगे ऐसे यूं, और इसको हम 2 एक बार निकालेंगे, हम इसको कंप्लीट नहीं करेंगे, फिर हम लेंगे लूप और फिर हम अगले में जाएंगे ऐसे, और हम क्या करेंगे पहले इसमें से और फिर ये 3ों में से हम निकाल देंगे एक साथ ऐसे, क्योंकि हमारे 4 स्टिच हो जाएंगे, तो ये हमने इस तरीके से ये निकाल दिए, तो ये हमारा क्या हो गया 2 का जो है वो 1 हो गया है हमारा, और ये देखिए वर्क हमारा थोड़ा सा ऐसे चला जाएगा। तो ये हमारा हुआ 1 कम, अब हमें 1 और कम करना है फ्रेंड्स यहाँ पर, यानी कि हमें 2 कम करने हैं। तो ये देखिए इस तरीके से ही सेम हम करेंगे, इस तरीके से ये हमने निकाल दिया ऐसे, फिर हम लूप लेंगे और फिर ऐसे 1 में से निकालेंगे और फिर 3ों में से इकट्ठे निकाल देंगे। तो ये हमारा क्या है कि हमारा 2 का 1 स्टिच बन गया है, तो यानी कि अब हमने ये यहाँ पर 2 कम कर दिए हैं और बाकी में हम ऐसे बनाएंगे सिंपल। तो हमें टोटल क्या है फ्रेंड्स, या तो आप निशान लगा लीजिएगा, जैसे कि हमने यहाँ से देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यहाँ तक, तो यहाँ पर आप कोई भी निशान कोई भी पिन लगा सकते हैं फ्रेंड्स, या कोई भी अलग कलर का धागा आप यहाँ पर रख सकते हैं। जब हमारे हम यहाँ पर ये 4 जो हमारे रह जाएंगे लास्ट में सब पे बनाते हुए, तो हमें सेम प्रोसीजर से जैसे हमने यहाँ कम करे हैं सेम प्रोसीजर से हम यहाँ पर कम करेंगे। तो चलिए पहले हम यहाँ तक बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कैसे कम करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे लास्ट के जो 4 हैं 1 2 3 4, तो हम इनको अब कैसे कम करेंगे फ्रेंड, जैसे हमने स्टार्टिंग में करे थे यहाँ पर, ये देखिए इस तरीके से इसको हम कंप्लीट नहीं करेंगे, फिर ऐसे लेकर जाएंगे ऐसे और फिर 3ों में से निकाल देंगे, तो हमारा 1 कम हो गया। अगेन फिर हम सेम करेंगे, ये देखिए ऐसे और फिर नेक्स्ट में और फिर इकट्ठे निकाल देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारा
इधर ये हमारे हाफ रह गए हैं फ्रेंड्स, 15 इधर रह गए हैं और 15 पे हमने ये कर दिया, यानी कि हमने दो स्टिच यहाँ कम करे, दो स्टिच यहाँ करे, 4 कम करे हमने 15 में से, तो ये हमारे जो है वो 14 हो गए हैं। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो हमें एक एक और कम करना है अब इसके अंदर, तो पहले हम सेम प्रोसीजर करेंगे क्या कि ये देखिए जो हमने स्टार्टिंग में जो 1, 2, 3 की जो हमने चेन बनाई थी, तो इसकी थर्ड चेन में ले जाकर हम पहले इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे, ताकि यहाँ से जो है वो हमारा पैर ये जुड़ भी जाएगा, जिससे कि हमारे पैर की शेप आ जाएगी। तो ये देखिए ये यहाँ से जो है ये हमारा जुड़ गया इधर से, तो ये हमारी जो है पैर की शेप आ गई है। और हम क्या करेंगे अगेन 1, 2, 3 की हमने चेन बनाई, अब हम क्या करेंगे देखिए इसी के अंदर लेकर जाएंगे ऐसे, और यहाँ पर हमने पहले हमने इसको निकाल दिया, इसको हम कंप्लीट नहीं करेंगे, फिर हम नेक्स्ट में लेकर जाएंगे। ये देखिए ये हम नेक्स्ट में लेकर गए इसके अंदर, फिर हम इसको पूरा नहीं करेंगे और एक साथ ऐसे निकाल देंगे हम, तो ये हमारा एक स्टिच कम हो जाएगा। और हम सेम बाकियों पे अब हम क्या करेंगे, ये देखिए ऐसे हम बना देंगे इसको, और फिर क्या करेंगे लास्ट में यहाँ पर आकर सेम हम करेंगे, ये हमारा एक स्टिच काउंट होगा, और जब ये हमारे दो रह जाएंगे तो इन दो का भी हम एक कर देंगे, तो यानी कि फिर हमारे ये 9 हो जाएंगे। तो चलिए ऐसे ही हम बनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स सेम प्रोसीजर से बनाते हो, मैंने अपना यहाँ तक वर्क कंप्लीट कर लिया और मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हमारे 9 स्टिचेस रह गए हैं यहाँ पर, ये देखिए 1, और ये जो 2 होते हैं फ्रेंड्स जो हमने कम कराया, तो इसके ऊपर की चेन आप देखिएगा तो ये 2 की 1 ही हो गई, तो इन 2 को जो है वो हम 1 काउंट करेंगे। तो ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये लास्ट में जो हमने एक कम करा ये 9, तो हमारे क्या है 9 रह गए। हमने सबसे नीचे 2-2 कम करे थे, ऊपर हमने 1-1 कम करा है, तो ये हमारे यहाँ पर 9 रह गए हैं। तो ये तो थे 3 नंबर के कान्हा जी के लिए फ्रेंड्स। अगर आप 4 और 5 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाते हैं तो आपको एक रो और बनानी पड़ेगी, तो उसमें फिर आप क्या कीजिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर नीचे भी स्टिचेस ज़्यादा होते हैं, तो हम यहाँ पर 2 हमने कम 2 बार 2 कम करें, यानी कि 2 इधर 2 इधर 4, तो नेक्स्ट रो में भी आपको सेम प्रोसीजर से 4 कम करने हैं, फिर 1 कम करना है, तो वो आपको अपने कान्हा जी के पैर के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा कि आपको कितने छोटे रखने हैं। तो इसी प्रोसीजर से हमें करना है, और फिर और बड़े कान्हा जी के लिए करना है तो ये हमें 4, 4, 3 रो में करने पड़ेंगे, और हमें फिर ये जो हमने 2 रो बनाई है ऐसे उसकी हमें 3 रो बनाएंगे हम 4 और 5 नंबर के लिए, और 6 नंबर के कान्हा जी के लिए हमें 4 रो बनानी पड़ेंगी। तो ऐसे एक रो इंक्रीज होती जाएगी, और जो हम ये डिक्रीज कर रहे हैं ये भी हमें और बढ़ाते जाएंगे हम डिक्रीज करना भी। तो ये देखिए ये ऐसे हमारी जो है 1/5 बनकर तैयार हो गया। अब इसको हम अगेन क्या करेंगे, ये देखिए स्टार्टिंग में 1, 2, 3 जो चेन बनाई थी, इसकी थर्ड चेन में ले जाकर हम इसको स्लिप स्टिच से ऐसे ज्वाइन कर देंगे, और बस मैं इसको इतना ही बनाऊंगी फ्रेंड्स, क्योंकि 3 नंबर के कान्हा जी के लिए ये इनफ है। और यहाँ पर मैं इसको स्लिप स्टिच करके और यहाँ पर मैं अपने धागे को जो है वो कट कर दूंगी, और हमें क्या करना है सेम प्रोसीजर से हम दूसरा भी अपना बना लेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ से जहाँ से ये हमारा ये जो हमने 3 चेन बनाई थी इसके साइड में यहाँ पर जो है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स, और स्टार्ट करने के बाद हमें सेम प्रोसीजर करना है, 3 की चेन बनानी है पहले, और चेन बनाने के बाद फिर हम क्या करेंगे वही प्रोसीजर करेंगे सेम, या फिर आप इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए जो हमने ये बैक साइड से यहाँ पर हमने ख़त्म कराया, तो इसके नेक्स्ट स्टिच में लेकर जाएंगे, पहले हम 3 की चेन बनाएंगे, मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स पहले हमने अपनी वूल में एक नॉट लगा ली है, और अब हम क्या करेंगे ये देखिए इसको इस तरीके से इसमें लेकर आएंगे, हमें धागा स्टार्ट करना है, तो एक चेन बनाकर हमने अपना धागा स्टार्ट कर दिया है। और हम क्या करेंगे यहाँ पे एक चेन तो हमने बनाई थी, 2 चेन हम और बना लेंगे, तो ये हमारा हो गया 1। अब हमें फिर से क्या करना है अपने 2 डिक्रीज करने हैं जैसे करे थे हमने सेम प्रोसीजर से, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट में लेकर जाएंगे इस तरीके से, और इस धागे को भी ये देखिए आप साथ में क्रोशिए के साथ बुनते जाइएगा, और इसको फिर हम कंप्लीट नहीं करेंगे, फिर नेक्स्ट में लेकर जाएंगे ऐसे, और हम क्या करेंगे आगे के 2 में से और फिर 3ों में से इकट्ठा निकाल देंगे, तो ये हमारा एक डिक्रीज हो गया। फिर हमें 1 टाइम और डिक्रीज करना है अभी, तो सेम ऐसे ही पहले हमने इसको कंप्लीट नहीं किया, फिर नेक्स्ट में फिर लेकर गए देखिए ऐसे, और फिर हम इसको पहले हमने हाफ छोड़ दिया,
इस तरीके से। और अब हम ये देखिए हमने तीनों में से इकट्ठे निकाल लिया, तो ये हमारे सेम प्रोसीजर से क्या है कि हमारे दो डिक्रीज हो गए हैं। अब बाकी हम ऐसे ही बनाएंगे और लास्ट में फिर हम दो डिक्रीज करेंगे। देखिए जब लास्ट में फोर रह जाएंगे हमारे, 1 2 3 4, तब हमारे ये फोर रह गए हैं। तो फ्रेंड्स अब हम सेम प्रोसीजर से जैसे हमने यहाँ डिक्रीज करे थे, सेम वैसे ही हम यहाँ पर डिक्रीज करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर भी अपने टू जो हैं वो डिक्रीज कर लिए हैं, यहाँ पर ये देखिए टू हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, ये देखिए जो हमने स्टार्टिंग में 1 2 3 की जो चेन बनाई थी, इसकी थर्ड चेन में ले जाकर हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे, जैसे कि हमने फर्स्ट में किया था। सेम प्रोसीजर से करना है फ्रेंड्स, ये देखिए ऐसे हमने कर दिया। अब अगेन हम 1 2 3 की चेन बनाएंगे और अब हमें एक इधर डिक्रीज करना है और एक उधर डिक्रीज करना है। तो ये देखिए जो हमने एक कम करा था, ये ऊपर से हम इसको उठाएंगे, इस तरीके से हम इसको निकाल देंगे दो में से और हाफ छोड़ देंगे, फिर नेक्स्ट में लेकर जाएंगे, फिर ऐसे निकालेंगे और फिर तीनों में से इकट्ठे। तो ये हमारा एक कम हो गया है, अब हम बाकी बना लेंगे और फिर स्टार्टिंग में जाकर फिर एक कम कर देंगे और फिर थ्री चेन में जो हमारी स्टार्टिंग की थ्री चेन थी इसमें ले जाकर हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे ये पैर बनकर तैयार हो जाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर भी स्लिप इसको थर्ड चेन में ले जाकर स्लिप स्टिच से ज्वाइन करके और एक चेन बनाकर अपना धागा कट कर दिया। तो ये देखिए ये हमारे लेग्स आ गए हैं फ्रेंड्स, और अब हम इसमें स्लीव्स बनाएंगे। तो स्लीव्स बनाने के लिए देखिए फ्रेंड्स मैंने अपने वूल में एक नॉट लगा लिया और क्रोशिया हुक में डाल लिया। और हम क्या करेंगे, ये देखिए जो हमारा इधर से है, ये जो हमने आर्म होल जो होल है जो हमारा, उसमें देखिए यहाँ पर ये आपको नीचे ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो ज्वाइंट होता है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर एक फंदा है ये रहा, तो हम इसको उठाएंगे फ्रेंड्स इस तरीके से, देखिए ऐसे, और इसमें ले जाकर इसको हम इस तरीके से निकालेंगे। तो ये हमारे अब ये देखिए टू हो गए हैं ऐसे, तो हम इसको इस तरीके से एक कर देंगे। तो ऐसे हमारा ये जो है धागा ज्वाइन हो जाएगा। तो एक तो हमारा ज्वाइन हुआ है, वो चेन बनी है फ्रेंड्स, और हम क्या करेंगे इसमें दो चेन और बना लेंगे, तो यानी कि थ्री चेन जो है ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। और इस वाले धागे को भी हम साथ लेते जाएंगे ताकि ये भी इसमें ही बुनता चला जाए। और हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ तो हमने एक बना लिया है, अब इसके साथ वाली जो चेन है इसमें ले जाकर फिर हम डबल क्रोशिया करेंगे। तो ऐसे हमारे जितनी भी ये आर्म होल की जो चेन है इसमें ले जाकर हम डबल क्रोशिया बना लेंगे ऐसे, तो ये हमारा जो है वो स्लीव बनती चली जाएगी। देखिए इस तरीके से, तो ऐसे ही हम यहाँ तक अपना वर्क जो है वो कंप्लीट कर लेंगे डबल क्रोशिया बनाते हुए। देखिए फ्रेंड्स मैंने ऐसे ही बनाते हुए डबल क्रोशिया एवरी चेन स्टिच में यहाँ मैं अपने वर्क के एंड तक पहुँच गई हूँ, ये देखिए। और इधर भी लास्ट में आकर ये देखिए हमारा लास्ट में जो नीचे का जो स्टिच था मैंने इसमें एक डबल क्रोशिया बनाया। और हम क्या करेंगे, जो हमने थ्री चेन बनाई थी स्टार्टिंग में, इसकी थर्ड चेन में ले जाकर इसको स्लिप स्टिच से ऐसे ज्वाइन कर देंगे। तो ये देखिए हमारी स्लीव्स ऐसे बनती जाएंगी। तो फ्रेंड्स ये हम तीन नंबर के कान्हा जी की बना रहे हैं, तो इसमें हमें ऐसे टू रो बनानी पड़ेंगी, लेकिन आप जैसे 0 1 नंबर के कान्हा जी की बनाती है तो उसमें एक ही रो इनफ रहेगी, और वो भी हाफ क्रोशिए की, तो एक रो बनानी है। और अगर आप जैसे हम ये दो रो हम इसमें बना रहे हैं, और 4 और 5 नंबर के कान्हा जी के लिए हमें सेम ऐसी 3 रो बनानी पड़ेंगी, और ऐसे ही फिर जैसे हम 6 नंबर की बनाएंगे तो उसमें 4 रो, और 7 नंबर के लिए 5 रो। तो जितने नंबर के कान्हा जी के लिए आप बढ़ते जाएंगे तो एक एक रो आपको बढ़ानी पड़ेगी उसकी। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए फ्रेंड्स अगेन क्या करेंगे, हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, तो ये हमने बनाई 3 चेन। और हम क्या करेंगे, ये देखिए यह हमने ये बना दी। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर एक स्टिच हम यहाँ कम करेंगे, एक स्टिच हम यहाँ कम करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा जो ये हैंड है ये आगे से पतला होता है कान्हा जी का भी और सबका, तो हमें क्या करना है इसको शेप देने के लिए हम यहाँ पर कम करेंगे। और कम हमें कैसे करना है, जैसे हमने नीचे किया था सेम उसी प्रोसीजर से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये देखिए हमने क्रोशिया हुक में लूप लिया और यहाँ पर ये देखिए एक तो हमने जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर हमने बना दिया, दूसरा इसका नेक्स्ट में लेकर जाएंगे और ऐसे, और इसको हम हाफ ऐसे
फिर अगला, फिर इसके अंदर लेके जाएंगे नेक्स्ट में। अब हम इसको ऐसे और फिर तीनों में से निकाल देंगे तो ये हमारा एक स्टिच यहाँ पर कम हो गया है और बाकी में हम सेम प्रोसीजर से बना लेंगे ऐसे ही डबल क्रोशिए। और सेम हमें लास्ट में एक कम करना है, जो हमारे दो रह जाएंगे तो हम उसको एक कर देंगे। तो ये देखिए ऐसे हम बनाते जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब मेरे लास्ट में जो है ये टू हमारे डबल क्रोशिए रह गए हैं। तो अब मैं इसको फिर से क्या करूँगी, यहाँ पर ये देखिए इसमें लेकर गई, इसमें मैंने तीन का किया दो, फिर मैं इसको कंप्लीट नहीं करूँगी और उसके बाद नेक्स्ट में लेकर जाएंगे इसके अंदर। और इसमें भी हम क्या करेंगे, ये चार के हमने कर दिए तीन और तीनों को फिर हमने इकट्ठे निकाल दिया तो इधर से हमारा एक कम हो गया। और अब हम क्या करेंगे, देखिए हमने जो स्टार्टिंग में थ्री चेन बनाई थी 1 2 3, इसकी थर्ड चेन में ले जाकर हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए ऐसे ये हमने इसको ज्वाइन कर दिया तो ये देखिए ये हमारी ऐसे कुछ इस तरीके से जो है वो स्लीव बन जाएगी। और यहाँ पर हम एक चेन बनाकर और अपने धागे को जो है वो कट कर देंगे। ये देखिए तो ये जो है वो हमारी स्लीव की शेप कुछ इस तरीके से आ गई है। ये देखिए और सेम प्रोसीजर से फ्रेंड्स हम इधर भी स्लीव बना लेंगे, जैसे कि हमने यहाँ बनाई है सेम वैसे ही हम इधर भी बना लेंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सेम प्रोसीजर से अपनी दूसरी स्लीव भी बनाकर रेडी कर लिया है, ये देखिए। और हमारा जंप सूट जो है वो बनकर रेडी है। अब हम इसमें करेंगे आउटलाइन फ्रेंड्स। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये जो हमारा ओपन पार्ट है। तो इसमें इसके लिए देखिए मैंने ब्लू कलर लिया है, आप कोई भी कलर कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ से ये जो हमारी चेन है जहाँ से हमने बंद करा, ये देखिए ये हमारी नज़र आ रही है, यहाँ पर हम क्रोशिया हुक डालेंगे और इस तरीके से निकालेंगे और ये देखिए ऐसे हम इसको निकाल देंगे तो ये हमारा धागा जो है यहाँ पर ज्वाइन हो जाएगा। और हम इसी के अंदर वन मोर टाइम करेंगे, सॉरी हमें हाफ क्रोशिया करना है इस तरीके से। हाफ क्रोशिया मतलब जो हम लूप नहीं लेते हैं धागे में तो उसको बोलते हैं हम हाफ क्रोशिया। तो ये हमने टू टाइम कर दिया है फ्रेंड्स। अब ऐसे ही हम नेक्स्ट में लेके जाएंगे, ये देखिए ऐसे जैसे कि हम अपनी चोली में करते हैं फ्रेंड्स, सेम उसी तरीके से हमें इसके अंदर बॉर्डर बनाना है। लेकिन ऊपर जो है वो मैं इसके कॉलर बनाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बनाना है। तो ये देखिए अब इसके अंदर भी उस तरीके से हम करेंगे, एक ही स्टिच में हमें टू टाइम करना है ऐसे। फिर अब ये नेक्स्ट आ गया है और ये धागा भी देखिए मैं साथ में लेती जा रही हूँ ताकि ये भी इसमें ही एडजस्ट हो जाए। तो ये देखिए ये हमारा हो गया है टू टाइम। अब ये देखिए हम ऊपर जो है वो नेक की साइड आ गए हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए जो हमारी जो नेक है इसके ऊपर की ये जो हमारा डबल क्रोशिया इसके अंदर हम इस तरीके से लेके जाएंगे और इसको हम पहले ऐसे टू टाइम जो है हम इसमें हाफ क्रोशिया इस तरीके से बना देंगे। अब हमें क्या करना है, इसमें हम एक बनाएंगे डबल क्रोशिया। ये देखिए ये बॉर्डर बनाने के लिए मैंने टू टाइम किया, अब एक बार और हम इसके अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे तो ये हमारा टोटल इसमें फोर टाइम हो गया है आगे नेक के स्टार्टिंग में। अब हमें क्या करना है, एवरी जो हमारा ये जो चेन स्टिच है इसके अंदर ये देखिए हम ऐसे लेकर जाएंगे और हमें इसके अंदर करना है डबल क्रोशिया, एक ही के अंदर हम करेंगे तीन बार हमें बनाना है इस तरीके से। अब नेक्स्ट में लेकर जाएंगे इस तरीके से और फिर थ्री टाइम हम एक में ही थ्री टाइम डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरीके से। तो ऐसे ही फ्रेंड्स हमें एवरी चेन में ये देखिए ऐसे हम थ्री थ्री टाइम बना लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। तो ऐसे ये देखिए हमारी जो है ये कॉलर की शेप आ जाएगी ऐसे। तो ऐसे ही सेम हम यहाँ तक बनाते हैं। तो चलिए लास्ट तक हम एवरी चेन स्टिच में थ्री थ्री टाइम अपना डबल क्रोशिया बनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये इसी तरीके से अपना सारा बना लिया, ये देखिए। और ये हमारी ये बिल्कुल कॉलर की लुक आ गई है, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, देखिए हम लास्ट वाले स्टिच में आ गए हैं अपने। तो लास्ट वाले स्टिच में आके अगेन हमें क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर
हमें फिर से पहले तो हमें टू टाइम जो है वो जैसे कि हमने पहले किया था, टू टाइम हम बनाएंगे इसमें डबल क्रोशिया और टू टाइम हम बनाएंगे इसके अंदर हाफ क्रोशिया, जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था, इधर हमने किया था सेम उसी प्रोसीजर से हमने किया है। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये वाली जो हमारी चेन स्टिच है इसमें हमें सेम प्रोसीजर से हाफ क्रोशिया बनाना है। ये देखिए ये रहा, सॉरी हाफ क्रोशिया, तो वन टाइम। अब हमें सेम इसी तरीके से जैसे हमने यहां बनाया था सेम ऐसे ही एवरी चेन स्टिच में हमें हाफ क्रोशिया बनाने हैं, टू टू टाइम, वन टाइम, टू टाइम। देखिए इस तरीके से, तो ऐसे ही बनाते हुए हम यहां तक अपने वर्क के एंड तक पहुंचेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ऐसे ही यहां तक बनाकर और एक चेन बनाकर मैंने धागे को अपने कट कर दिया था। तो ये देखिए ये हमारा जो है नेक पर इस तरीके से ये जो है हमारा बॉर्डर आ गया है, ये देखिए। और ये है हमारी इसकी कॉलर, बहुत प्यारी लग रही है। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भी मैंने बॉर्डर बना दिया दोनों साइड, एक लेग में और एक हैंड पे मैंने बना दिया, बाकी में मैं आपको बनाकर बताती हूँ। तो ये देखिए हमें क्या करना है फ्रेंड्स, यही मैंने अपनी वूल में नॉट लगाई। और ये देखिए जहाँ पर हमने पहले नॉट लगाकर इसको बंद किया था वहीं हम अपना क्रोशिया हुक लेकर जाएंगे और ऐसे हम इसमें से वूल निकालेंगे और दो का हम कर देंगे एक हाफ क्रोशिया। तो ये हमारा इधर हाफ क्रोशिया हो गया है वन में। अब हम नेक्स्ट चेन में लेकर जाएंगे फ्रेंड्स, ये देखिए इस तरीके से, और हम एवरी चेन स्टिच में जो है हाफ क्रोशिया बनाकर इसमें एक बॉर्डर बना देंगे। ये देखिए इस तरीके से इसको पकड़ेंगे और ऐसे हम हाफ क्रोशिया बनाते हुए इसके बॉर्डर को यहाँ तक अपना कंप्लीट कर देंगे। और सेम ऐसे ही फ्रेंड जैसे मैंने यहाँ बताया, सेम ऐसे ही हमें लेग में बनाना है। तो दोनों साइड बना लेंगे हम और इधर लास्ट में जाकर फिर हम इसमें, ये देखिए जहाँ हमने ये बनाया था यहीं पर ले जाकर हम इसको ज्वाइन कर देंगे स्लिप स्टिच से और फिर इसके अपने धागे को कट कर देंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये इधर भी अपने दोनों पैर में भी ये हाफ क्रोशिए का बॉर्डर बना दिया है और हैंड्स में भी, और इसके जो सारे धागे हैं फ्रेंड्स वो मैंने अंदर कर दिए हैं। धागे अंदर करने के लिए आपको क्या करना है फ्रेंड्स, ये देखिए आप ये मोटी सुई लीजिएगा जो वूल वाली होती है। हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पर हमारा धागा है तो हमें क्या करना है, ये जो हमारे स्टिच होते हैं ये ऊपर वाले, इनके अंदर हम इस तरीके से, आप अगर हमारा यहाँ पर धागा है तो फ्रेंड्स आपको ये निडल जो है वो इस तरीके से लेकर जानी होगी ऐसे, और इसको आगे की साइड कर लीजिएगा और इसके अंदर अपना धागा डाल के और इसको खींच दीजिएगा। तो क्या होगा कि हमारी जो है निडल जो है वो, सॉरी धागा जो है वो अंदर हो जाएगा, जो एक्स्ट्रा धागा है उसको आप कट कर दीजिएगा। तो ऐसे हम सारे धागे जो हैं वो अंदर कर लेंगे। तो हमारे ये देखिए सारे धागे अंदर हो गए और ये देखिए हमारा जो है जम सूट बनकर रेडी है। और हमें क्या करना है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो इधर से हमारा ये थोड़ा सा ओपन पार्ट है ये देखिए, क्योंकि हमने इधर से जो है वो जोड़ना शुरू किया था और बीच में से ये ओपन रह गया है, तो इसको हम यहाँ से सिल लेंगे। तो इसके लिए देखिए मैंने निडल में जो है पिंक कलर का धागा डाल लिया है, वूल से भी सिल सकते हैं फ्रेंड्स और धागे से भी। हम ये देखिए नीचे से यहाँ से, ये देखिए ये जो हमारा नीचे पैर है यहाँ से हम इसको सुई धागे को इधर लेकर जाएंगे जहाँ से हमारा ओपन पार्ट है इस तरीके से, और इसको हम इस तरीके से यहाँ से सिल देंगे मिडल में से जो कि ओपन है हमारा। तो ये देखिए ये जो हमारा ओपन पार्ट था वो हमारा स्टिच हो गया है फ्रेंड्स। तो हमें यहीं तक ही स्टिच करना था और हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक नॉट लगा देंगे इस तरीके से, दो बार लगा देंगे फ्रेंड्स ताकि ये पक्का हो जाए अच्छे से। और इसको फिर निडल को ये देखिए हम इस तरीके से इधर से अंदर की साइड से लाकर और इसको हम कट कर देंगे ताकि हमारा धागा जो है वो अंदर की साइड ही रहे। तो ये देखिए हमारा बनकर तैयार हो गया है। और इसके ऊपर फ्रेंड्स आप कोई भी यहाँ पर कोई भी बटन या कुछ भी लगा सकते हैं यहाँ पर डेकोरेशन के लिए। ये देखिए जैसे कि मेरे पास ये स्टोन है,
तो आप जैसे अगर आप बड़े कान्हा जी का बनाते हैं तो इधर बड़ा होगा तो आप 2 स्टोन लगा दीजिएगा। ये आप इसको पेस्ट भी कर सकते हैं, स्टिचिंग से भी लगा सकते हैं, या कोई आप पर्ल भी लगा सकते हैं अगर आपके पास ऐसा स्टोन नहीं हो, अदरवाइज आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है फ्रेंड्स, और यहाँ पर मैं लगा दूंगी स्टोन को। तो ये देखिए हमारा जंप सूट जो है वो बनकर तैयार है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।